प्रारंभिक ग्रेड में वरीयता का निर्धारण। प्रारंभिक ग्रेड में वरीयता का निर्धारण उस ग्रेड में नियुक्ति की तिथि से निर्धारण किया जाएगी। यदि नियुक्ति के समय कर्मचारी का वेतन उन कर्मचारियों से अधिक निर्धारण कर दिया जो उस ग्रेड से पहले से ही नियमित रूप से कार्यरत हैं, इस आधार पर अधिक वेतन पाने वाला कर्मचारी वरीयता के लिए दावा नहीं करेगा। कुछ कोटियों में कुछ प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और कुछ पद पदोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं, तो ऐसे मामलों में सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार की वरीयता का निर्धारण उस ग्रेड में नियुक्ति की तिथि से और पदोन्नति वाले कर्मचारियों का उस तिथि से किया जाएगा जिस तिथि पर वे पदोन्नति हुए हैं। यदि उस ग्रेड में सीधी भर्ती वाली की नियुक्ति की तिथि और पदोन्नति की तिथि एक ही होने पर ऐसे मामलों के लिए एक इंटरसी सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाएगी। इस सूची में पहले स्थान पदोन्नति वाले कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस तरह से दोनों को एक के बाद एक वैकल्पिक स्थान देते हुए सूची तैयार की जाएगी। सीधी भर्ती के मामलों में वरीयता का निर्धारण प्रशिक्षण अनिवार्य हो पद स्थापित करने से पहले। जिन पदों पर पोस्टिंग देने से पहले प्रशिक्षण अनिवार्य है, ऐसे मामलों में प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के बाद प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। इसी तरह से जो कर्मचारी पहले पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण परीक्षा पास कर चुके हैं, वे बाद वाले पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों से वरिष्ठ माने जाएंगे। जहां प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, जिन पदों पर पोस्टिंग से पहले प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं, ऐसे मामलों में रेलवे भर्ती बोर्ड की योग्यता सूची के आधार वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। सूची में अंक अधिक होंगे उस अंक के आधार पर या रैंक के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। ऐसे मामलों में उन उम्मीदवारों को एक निर्धारित तिथि तक नियुक्ति के लिए कार्यालय में उपस्थित होना होगा। यदि कोई उम्मीदवार उस निर्धारित तिथि तक कार्यालय में नियुक्ति के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी वरीयता का निर्धारण उन सभी उम्मीदवारों के नीचे रखा जाएगा जो निर्धारित तिथि तक नियुक्ति के लिए उपस्थित हो गए थे। जब उम्मीदवार का चयन पैनल में या योग्यता सूची में एक जैसे अंक या रैंक होने पर उनकी वरीयता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा। जो जन्मतिथि में बड़ा होगा उसे वरिष्ठ माना जाएगा। स्थानांतरण के मामले में वरीयता का निर्धारण कर्मचारी के निवेदन पर स्थानांतरण के मामलों पर वरीयता का निर्धारण। जब कर्मचारी एक मंडल से दूसरे मंडल या एक वरिष्ठता यूनिट से दूसरे वरिष्ठता यूनिट में निवेदन पर स्थानांतरण पर जाता है, तो उस नई यूनिट में नियमित रूप से कार्यरत स्थायी कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारियों के नीचे वरीयता में स्थान दिया जाएगा। पारस्परिक स्थानांतरण के मामलों में वरीयता का निर्धारण इस तरह के मामलों में दोनों कर्मचारियों में से जो कनिष्ठ होगा, दोनों को कनिष्ठ कर्मचारी की वरीयता दी जाएगी, अर्थात कनिष्ठ कर्मचारी की वरीयता उस वरिष्ठ कर्मचारी को भी दी जाएगी। प्रशासन के हित में किए जाने वाले स्थानांतरण के मामलों में कर्मचारी की वरीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस भी यूनिट मंडल में जाएगा वह अपनी मूल वरीयता ही प्राप्त करेगा। पदोन्नति के मामलों में वरीयता का निर्धारण चयन पदों में वरीयता का निर्धारण कर्मचारी की पैनल पोजीशन के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। जो कर्मचारी पहले पैनल में आ जाते हैं, बाद के पैनल वाले कर्मचारियों से हमेशा वरिष्ठ माने जाएंगे, चाहे उनकी उस पद पर पोस्टिंग की तिथि कुछ भी क्यों ना हो।
गैर चयन पदों में वरीयता का निर्धारण उपयुक्तता सूची के आधार पर जहां पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है, अन्यथा उस पद पर पदोन्नति आदेश की तिथि से किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट के मामलों में वरीयता का निर्धारण, यदि ट्रेड टेस्ट अलग अलग तिथियों पर आयोजित किए जाते हैं तो उस ट्रेड टेस्ट को एक ही टेस्ट मानते हुए उनकी वरीयता का निर्धारण निचले ग्रेड की मूल वरीयता के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाएगी। जब किसी ग्रेड में पदोन्नति की तिथि एक होने पर मामले वरीयता का निर्धारण, जब किसी कर्मचारी की ग्रेड में पदोन्नति की तिथि एक होने पर ऐसे मामलों में वरीयता का निर्धारण निचले ग्रेड में पदोन्नति की तिथि के आधार पर, यदि उस ग्रेड में भी पदोन्नति की तिथि एक हो तो और निचले ग्रेड में चलते जाएंगे, अर्थात प्रारंभिक नियुक्ति ग्रेड तक चलते जाएंगे। यदि उस ग्रेड में भी नियुक्ति की तिथि एक हो तो कर्मचारी के जन्मतिथि के आधार पर वरीयता का निर्धारण करेंगे। मध्यवर्ती ग्रेडों में सापेक्षिक वरीयता का निर्धारण, ऐसे मध्यवर्ती ग्रेड जो भिन्न भिन्न धाराओं के कर्मचारियों से प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जाते हैं, ऐसे पदों के लिए कर्मचारी की वरीयता का निर्धारण ग्रेड के आधार पर किया जाता है जो उच्चतर ग्रेड में होगा, वह कर्मचारी निचले ग्रेड के कर्मचारी से वरिष्ठ माने जाएंगे। चिकित्सा के आधार पर विकोटीकृत कर्मचारियों के मामलों में वरीयता का निर्धारण, मेडिकल डिक्टराइज्ड कर्मचारियों की वरीयता नया पद के ग्रेड में उसके पुराने पद के ग्रेड में की गई सेवा की अवधि के आधार पर नया पद के ग्रेड में वरीयता निर्धारित की जाएगी, अथवा कर्मचारी जिस ग्रेड में विकोटीकृत किया जाता है उसी ग्रेड के समान नया पद के ग्रेड में तैनात किया जाना चाहिए। यदि कर्मचारी उसके पुराने ग्रेड से नए पद के निचले ग्रेड में तैनात किया जाता है तो ऐसे मामलों में कर्मचारी द्वारा पुराने पद के उच्चतर ग्रेड में और निचले ग्रेड में की गई सेवा अवधि का ध्यान रखते हुए नए पद के निचले ग्रेड में वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। कर्मचारी के वेतन के स्टेज में कमी करने के मामलों में वरीयता का निर्धारण, इस तरह के मामलों में कर्मचारी की वरीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्मचारी को निचले ग्रेड पद और सेवा में अवनत कर देने के मामलों में वरीयता का निर्धारण, यदि कर्मचारी को निचले ग्रेड पद और सेवा में अनिश्चित समय के लिए अवनत कर दिया गया है तो ऐसे मामलों में वरीयता का निर्धारण जब तक कि अनुशासनिक अधिकारी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता तब तक उसकी वरीयता का निर्धारण नहीं किया जाएगा। जब अनुशासनिक अधिकारी सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर जिस तिथि को उसे दोबारा पदोन्नति किया जाता है उस पद पर उस तिथि से उसकी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, अर्थात नए सिरे से उसकी वरीयता का निर्धारण होगा। नोट, जब अधिकारी को ग्रेड पद और सर्विस में स्थायी रूप से अवनत कर दिया गया है तो ऐसे मामलों में वरीयता का कोई सवाल नहीं होता, लेकिन निचले ग्रेड में उसकी वरीयता का कहां पर निर्धारण किया जाए यह अनुशासनिक अधिकारी के आदेशानुसार निर्धारित की जाएगी। जब कर्मचारियों को निचले ग्रेड पद और सेवा में एक निश्चित समय के लिए अवनत किया गया है संचयी प्रभाव की पेनल्टी के साथ है तो दंड की अवधि समाप्त होने के बाद उसे पुनः उसी ग्रेड पद और सर्विस में पदोन्नति किया जाता है तो उसके द्वारा उस ग्रेड में की गई सेवा की अवधि का लाभ देते हुए उसकी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा जिस ग्रेड से उसे अवनत किया गया था। जब कर्मचारी को निचले ग्रेड पद और सर्विस में एक निश्चित समय के लिए बिना संचयी प्रभाव वाली पेनल्टी के साथ अवनत किया जाता है तो
पेनल्टी अवधि समाप्त होने के बाद जब कर्मचारी दोबारा उस ग्रेड पद और सर्विस में पदोन्नति किया जाता है तो वह अपनी मूल वरीयता प्राप्त करेगा, अर्थात उसकी वरीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब कर्मचारी को निचले ग्रेड पद और सर्विस में एक निश्चित समय के लिए बिना संचयी प्रभाव वाली पेनल्टी के साथ अवनत किया जाता है तो पेनल्टी अवधि समाप्त होने के बाद जब कर्मचारी दोबारा उस ग्रेड पद और सर्विस में पदोन्नति किया जाता है तो वह अपनी मूल वरीयता प्राप्त करेगा, अर्थात उसकी वरीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिशेष कर्मचारियों को मामलों में वरीयता का निर्धारण मेडिकल डिके ग्राइस की तरह ही करेंगे। खेलकूद सांस्कृतिक कोटा स्काउट एवं गाइड और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामलों में यदि कर्मचारी ऐसे पदों के लिए नियुक्त किया जाता है जहां पद तैनात करने से पहले प्रशिक्षण अनिवार्य है, प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा तथा जिन पदों के लिए तैनात करने से पहले प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, नियुक्ति अधिकारी द्वारा दी गई योग्यता सूची के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा।